हेलो गाइस, इस वीडियो में प्रीव्यू करने वाला हूँ इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच में जो मैच है उसका। मैच स्टार्टिंग टाइम है 12:30 AM पर। तो इस मैच के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपको मिल जाएगा और जो भी मेरा फैंटेसी टीम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैंटेसीज की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे। उस लिंक के थ्रू से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, जो भी फार्दर अपडेट्स आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली @SaribMax सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। ऐसे चैनल आपको मिलेगा, 18K अराउंड सब्सक्राइबर है, उसी चैनल पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। इंजरी न्यूज़ की बात करूँ तो अभी तक उतना इंजरी की अपडेट नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही न्यूज़ है, वो है ओफा में भी आउट है इस मैच में, जो आपको खेलते हुए दिखेगा बर्नली की तरफ से, वो इस मैच में आउट है इंजरी के, जो एक ही न्यूज़ मिले हैं मेरे को। पॉसिबल लाइनअप्स देख लेते हैं, तो बर्नली से स्टार्ट करते हैं, बर्नली के होम पे मैच है। गोलकीपर्स में आपको मुरिक खेलते हुए दिखेगा, डिफेंडर्स में आपको कॉनर रॉबर्ट्स, डारा ओशिया, जॉर्डन बायर, आमिन अल्डखिल, मिडफील्डर्स में आपको जॉस ब्रॉनहिल, जैक रॉक, मिडफील्डर्स में आपको दिखेगा लुका कॉलिंसो, जेकी आमेदोनी और आनास जरूरी। अटैकिंग सेक्शन में आपको लाइल फॉस्टर खेलते हुए दिखेगा, पेनाल्टी पर रहेगा लाइल फॉस्टर, सेकेंड पेनाल्टी टेकर है इस टीम के तरफ से जेकी आमेदोनी, तो ये दो में से आपको पेनाल्टी टेक करते हुए देखेगा। लाइल फॉस्टर अगर फुल टाइम खेलते तो फॉस्टर ही पेनाल्टी लेगा, अगर वो फील्ड पे रहते, फील्ड पे अगर वो सब्स्टिट्यूट होते तो तब जेकी आमेदोनी पेनाल्टी लेते हुए आपको दिखेगा, अगर पेनाल्टी मिलते तो। फ्री किक कॉर्नर टेकर्स की बात कर लेते हैं, तो फ्री किक कॉर्नर टेक आपको ब्रॉनहिल और जायोडी करते हुए दिखेगा, ये दो प्लेयर शेयर करेगा फ्री किक कॉर्नर। इम्पॉर्टेंट पिक की बात कर लेते हैं बर्नली की तरफ से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होगा इस मैच में उनका गोलकीपर मुरिक। रीज़न क्या है, सामने मैनचेस्टर सिटी जैसे डोमिनेशन अटैकिंग थर्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो मुरिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप ग्रैंड लीग खेले तो इनको आप CBC के तौर पे भी ट्राई कर सकते हो, अगर सारे शॉट्स से सेव करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको देते हुए दिखेगा। डिफेंस में मैं कॉनर रॉबर्ट्स को रिकमेंड करूंगा, रीज़न क्या है, टैकलिंग इंटरसेप्शन इनका बेटर है क्वालिटी में, अगर चारों डिफेंडर्स देखोगे तो कॉनर रॉबर्ट्स बहुत दिनों से खेल रहे हैं, तो मैं उनको मतलब रिकमेंड करूंगा अगर आप डिफेंस में कोई भी प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहते हो अपने टीम में। मिडफील्डर्स में ब्रॉनहिल और जैक क्रॉक को मैं रिकमेंड करूंगा, रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा मैनचेस्टर सिटी की टीम, ऑन द पेपर भी बहुत हाईली फेवरेट है इस मैच में, तो जब प्रेशर क्रिएट करेगा तब अटैकर्स लेने से बेटर है होल्डिंग मिडफील्डर्स लो। रीज़न क्या है, टैकलिंग इंटरसेप्शन से आपको जो पॉइंट देगा वही आपको ज़्यादातर मिलेगा ये दो प्लेयर से, जॉस ब्रॉनहिल और जैक क्रॉक से। अगर आपको लगता है बर्नली भी डोमिनेट कर सकते हैं इस मैच में, तब आप क्या करोगे, तब आप स्ट्राइकर्स के तौर पे आप फॉस्टर और आमदोनी को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, बर्नली उतना क्वालिटी नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी को प्रेशर में ला सकते हैं। जो मेरी अकॉर्डिंग चार प्लेयर्स लेना है बर्नली की तरफ से, वो है मुरिक, ब्रॉनहिल, जैक क्रॉक, और एक प्लेयर आप ले सकते हो, आइदर आप ले सकते हो कॉनर रॉबर्ट्स को, आइदर आप स्ट्राइकिंग सेक्शन में लेना चाहते हो तो फॉस्टर और आमेदोनी को मैं रेकमेंड करूंगा। जरूर को भी आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉर्नर फ्री किक लेगा, तो ये भी एक असिस्ट प्रोवाइडर हो सकता है अगर गोल आते हैं तो। अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी टीम की, तो देखो मैनचेस्टर सिटी जो प्रोबेबल लाइनअप्स अभी दे रखे है, वहाँ पे केविन डिब्रुइना नहीं है, KDB अगर नहीं रहेगा तो मिडफील्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं। रीज़न क्या है, एक मंजा हुआ खिलाड़ी है KDB, अगर वो नहीं खेलते तो बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा जैक ग्रियलिश के ऊपर, ये चीज़ आप नोट करना, जैक ग्रियलिश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर KDB नहीं खेलते। जैक ग्रियलिश और बर्नार्डो सिल्वा, बहुत ज़्यादा प्रेशर इन दो के ऊपर होगा और बहुत ज़्यादा बॉल सप्लाई आपको इन दो से मिलेगा।
तो ये चीज़ है। अभी KDB और प्रोबेबल लाइनअप्स में नहीं है, तो जो लाइनअप्स दे रखे वो है गोल कीपर्स में आपको एडरसन खेलते हुए दिखेगा, डिफेंस में कायल वॉलकर, रूबेन दियास जिसको गैब्रिडियल, उसके बाद जॉन स्टोन्स, चारों ही प्लेयर आपको डिफेंडिंग सेक्शन में मिलेगा। मिडफील्ड में आपको रॉड्री खेलते हुए दिखेगा जिनका पासिंग क्वालिटी फार बेटर है, उसके साथ लॉन्ग रेंजर शूट, टैकल इंटरसेप्ट, मतलब एक बढ़िया डिफेंडिंग मिडफील्डर है रॉड्री। मिडफील्डर्स में आपको खेलते हुए दिखेगा फिल फोडेन, बर्नार्डो सिल्वा, जूलियन एल्वेरेस, जैक ग्रियलिस, और अटैकिंग सेक्शन में आपको यार्लिंग हॉलैंड खेलते हुए दिखेगा। पेनाल्टी पर रहेगा हॉलैंड ऑब्वियसली, और इस साल का जो बैलेंडियोर्स भी होगा वहाँ पे भी कंटेंडर है हॉलैंड, बैलेंडियोर्स जीत सकते हैं। ज़बरदस्त सीजन गया था लास्ट ईयर, तो इस ईयर भी वो सेम कुछ करना चाहेगा, गोल में रहना चाहेगा, ठीक है। तो हॉलैंड प्लांट पर है। फ्री किक कॉर्नर KDB के अगर नहीं है तो उनके प्लेस पे ग्रियलिस और बर्नार्डो सिल्वा मोस्ट प्रॉब्ली फ्री किक कॉर्नर शेयर करेगा। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा प्लेयर, देखो गोल आना चाहिए मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलते हैं, अटैकिंग थ्रेट बहुत ज़्यादा है, तो गोल मुझे लगता है भर भर के कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी। और गोल अगर करेगा तो कौन कौन सा प्लेयर ज़बरदस्त पिक होगा, एक तो अर्लिंग हॉलैंड, दूसरा जूलियन एल्वेरेस, तीसरा फिल फोडेन, ये तीन स्ट्राइकर्स को आप नहीं ड्रॉप करना चाहोगे। रीज़न क्या है, यही तीन प्लेयर जो मेनली गोल स्कोर कर सकते हैं। असिस्ट प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते, वो है जैक ग्रियलिस, बर्नार्डो सिल्वा। तो ये जो टॉप फाइव है ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल टॉप फाइव है, आप लेना चाहोगे इस पांच को। लेकिन अगर आपको क्लीन शीट होने का भी चांसेस है, तो अगर डिफेंडर्स ज़्यादा क्रिएट करना है तो जैक ग्रियलिस और बर्नार्डो सिल्वा में से एक ड्रॉप करके आपको ये चार पिक करना होगा अगर आप क्लीन शीट क्लेम कर रहे हो इस मैच में तो। और देखो एक बाकी रहते हैं, वो है रॉड्री। और रॉड्री एक ऐसा प्लेयर जो किसी भी मैच में 30 पॉइंट एवरेजली दे ही देते हैं फैंटेसी का, तो रॉड्री को अगर आप किसी की भी प्लेस पे लोगे तो बुरा नहीं होगा। रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है जो जिन सब 30 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक फैंटेसी मतलब मैच में, जो भी मैनचेस्टर सिटी या स्पेन के मैच होगा आप 30 पॉइंट उनसे एक्सपेक्ट करोगे। तो रॉड्री भी बहुत बढ़िया चॉइस है, एक डिफेंडर छोड़ के आप रॉड्री ले सकते हो, स्ट्राइकर छोड़ के आप रॉड्री ले सकते हो, रॉड्री भी ज़बरदस्त पिक है। मैनचेस्टर सिटी के सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ प्लेयर्स को उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे गोलकीपर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके बाद काइल वॉकर, मैं हमेशा से वॉकर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। रीज़न क्या है, टैकलिंग इंटरसेप्शन बहुत घटिया है इनका, लेकिन असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और पासिंग का तो गेम होगा ही मैनचेस्टर सिटी में खेलेगा तो। तो इस तौर पे आप काइल वॉकर ले सकते हो, क्योंकि क्लीन शीट असिस्ट आ जाते हैं तो ज़बरदस्त पिक, अगर नहीं आते तो मीडियम पिक। तो वॉकर को आप छोड़ सकते हो, ये दो ही प्लेयर जो छोड़ने वाला प्लेयर है, सारे के सारे प्लेयर्स को मैं रिकमेंड करूँगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो MVP पिक्स मतलब कैप्टन वाइस कैप्टेंसी का चॉइस कौन कौन हो सकती है इस मैच में, जो प्रोबेबल लाइनअप्स में उनमें से अगर मैं देखूं तो हॉलैंड रहेगा, अल्वारेस रहेगा, फोडेन रहेगा, बर्नार्डो सिल्वा रहेगा और ग्रियलिस रहेगा। ये पांच प्लेयर आपको CVC के कंटेंडर में आएगा, जिनमें से हॉलैंड और अल्वारेस को मैं ज़्यादा रेट करूँगा। मेरा एक्सपेक्टेशन मैनचेस्टर सिटी क्लियर फेवरेट है, और मुझे लगता है इस मैच में 3 से ज़्यादा गोल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सिटी से, और हाईली 1 गोल एक्सपेक्ट करता हूँ मैं बर्नली से। मोस्ट प्रॉब्ली बर्नली गोल ही नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ है 3-0 या 3 से ज़्यादा गोल से इस मैच को सिटी जीत सकते हैं। पहला मैच है तो थोड़ा डिफेंसिव वाइज भी गेम हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सिटी उतना ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट से खेलेगा, जीतने के लिए खेलेगा, तो 3 से गोल मैं ज़्यादा गोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिटी की तरफ से। मेरा जो फैंटेसी टीम है वो देख लेते हैं, तो ये रहा मेरी फैंटेसी टीम। गोलकीपर्स में मुड़ी को पिक किया हूँ, एक डिफेंडर लिया हूँ कॉर्नर रॉबर्ट्स को, लेकिन वो नहीं लेना चाहते हो आप, मिडफील्डर्स में एक्स्ट्रा एक मिडफील्डर्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि कॉर्नर रॉबर्ट्स टैकलिंग इंटरसेप्शन से जो पॉइंट देगा देगा, नहीं तो क्लीन शीट भी तो नहीं होगा और गोल भी खाएगा, उनका -2-2 करके पॉइंट भी दे सकते। तो कॉर्नर रॉबर्ट्स के प्लेस पे एक्स्ट्रा मिडफील्डर ले सकते हो। गैब्रिडियल, रूबेन दियास, जॉन स्टोन्स को मैं पिक किया हूँ, ग्रियलिस को मैं पिक किया हूँ, मैं बर्नार्डो सिल्वा को भी लेना चाहता था, लेकिन अगर सिल्वा को लेना है तो स्टोन्स ऑल में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। जाउड़ी और ब्रॉनहिल को मैं पिक किया हूँ, और 3 स्ट्राइकर मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, फिल फोडेन, अर्लिंग हॉलैंड और जूलियन एल्वेरेस। कैप्टन मैं अर्लिंग हॉलैंड को किया हूँ, वाइस कैप्टनसी मैं जूलियन एल्वेरेस को दिया हूँ। ग्रियलिस भी बहुत अच्छा चॉइस है CVC,
और बर्नार्डो सिल्वा ले रहे हो, रॉड्री ले रहे हो, वो भी अच्छा चॉइस होगा सीबीसी के लिए। तो ये चीज़ है, ये मेरा टीम है लेकिन फाइनल नहीं है। रीज़न क्या है, लाइनअप्स क्लियर अभी तक नहीं है। प्रोबेबल लाइनअप्स के ऊपर ये टीम मैं क्रिएट किया हूँ, लाइनअप्स आ जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे, उस लिंक के थ्रू से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। और वीडियो को एक लाइक कर लेना, और वीडियो पसंद आते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट के साथ।